जी स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास बुक्स खुली होनी चाहिए। ये आज जो हम टेस्ट करने लगेंगे बुक्स सिक्स है, बुक सिक्स इसका टेस्ट नंबर टू और सेक्शन वन है। तो जैसे दिस इज़ प्री रिक्विजिट दैट ऑल ऑफ यू हैव टू ओपन योर बुक्स फर्स्ट। अगर बुक्स के बगैर करेंगे तो फिर आप इसको सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि आपने कमेंट्स ज़रूर लिखते जाना है, हर पैराग्राफ के बाद कमेंट्स लिखते जाएंगे आप। पेज नंबर 41, एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दिस इज़ बेसिकली द टाइटल ऑफ द पैसेज। तो जी स्टार्ट करते हैं। अ न्यू स्टडी कंडक्टेड फॉर द वर्ल्ड बैंक बाय मर्डॉक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, ISTP है एक, वो ये डेमोंस्ट्रेट करती है एक स्टडी के बारे में, ये बताती हैं, एक रिसर्च होती है जिसमें बताते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सी है वो ज़्यादा बेहतर है गाड़ियों से, कार से। द स्टडी कंपेयर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ पोर्ड इन टू ट्रांसपोर्ट। जी स्टडी ये कंपेयर करती है कि बेसिकली पैसे लगाए गए पैसे कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट में 37 सिटीज़ के अंदर, 37 शहरों में अराउंड द वर्ल्ड, मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में। दिस इंक्लूडेड बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट कॉस्ट शामिल है, किसी बिल्ड करना, मेंटेन करना और यूज़ करना ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि नया सिस्टम भी बिल्ड करना है और पुराने को मेंटेन करना और उसको यूज़ करना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। पैराग्राफ नंबर टू इसके अंदर, द स्टडी फाउंड दैट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सिटी ऑफ पर्थ इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ अ सिटी। दी स्टडी ये बताती है कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है पर्थ, वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि जहाँ पे बहुत कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसके नतीजे में 17% ऑफ इट्स वेल्थ वेंट इन टू ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो जिसके नतीजे में 17% जो सी है उसकी दौलत जो सी है वो ट्रांसपोर्टेशन में चली जाती है। बाज यूरोपियन और एशियन सिटीज़ के अंदर इसके अलावा स्पेंड लिटल 5%। जी 17% यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में जाती है, बाकी जो से शहर है उसमें 5%। एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर पीटर न्यूमैन, वो ISTP के डायरेक्टर हैं। वो ये कहते हैं कि दीज मोर एफिशिएंट सिटीज़ वर एबल टू पुट द डिफरेंस इनटू अट्रैक्टिंग इंडस्ट्री एंड जॉब और क्रिएटिंग अ बेटर प्लेस टू लिव। वो ये कहते हैं कि ये जो मोर एफिशिएंट सिटीज़ हैं, यानी कि बेहतरीन जो सिटीज़ हैं, वो वर एबल टू पुट द डिफरेंस, उन्होंने डिफरेंस पैदा किया था इनटू अट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, यानी उसकी वजह से इंडस्ट्री वहाँ पे अट्रैक्ट हुई थी, जॉब्स पैदा हुई थी और बेहतर जगह वो बनी रहने के लिए। जी थर्ड, अभी वही जो प्रोफेसर न्यूमैन है वो आगे बात को बढ़ाते हैं तीसरे पैराग्राफ में। वो ये कहते हैं कि लार्जर ऑस्ट्रेलियन सिटीज़ ऑफ मेलबर्न इज़ रैदर इन अनयूजुअल सिटी इन दिस सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन। अब हम इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते जो बड़ा शहर मेलबर्न है उसको। वो ये कहते हैं कि दो शहर, एक यूरोपीय सिटी सराउंडेड बाई अ कार डिपेंडेंट वन, यानी कि एक शहर ऐसा है कि जहाँ पर गाड़ियाँ पब्लिक कार जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, और दूसरा मेलबर्नज लार्ज ट्रैम नेटवर्क हैज़ मेड कार यूज़ इन द इनर सिटी मच लोअर। अब शहर के अंदर मेलबर्न में ट्रैम के यूज़ की वजह से गाड़ियों का इस्तेमाल काफ़ी कम होता है, बट द आउटर सबर्ब हैव द सेम कार बेस्ड स्ट्रक्चर, लेकिन शहर के बैरूनी एरिया में गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं एज़ मोस्ट अदर ऑस्ट्रेलियन सिटी, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के दूसरे शहरों में। तो द एक्सप्लोजन इन डिमांड फॉर अकोमोडेशन इन द इनर सबर्ब्स, तो ये अकोमोडेशन की जो डिमांड है इंटरनल रहने में ऑफ मेलबर्न सजेस्ट अ रीसेंट चेंज इन मैनी पीपल्स प्रेफरेंस हैज़ टू वेयर दे लिव। उस डिमांड से पता लगता है कि लोगों की प्रेफरेंस चेंज होगी कि कहाँ पर उन्होंने रहना है। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 है, न्यूमैन ये कह रहे हैं कि दिस इज़ अ न्यू ब्रॉडर वे ऑफ कंसीडरिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इश्यूज़। तो ये एक नया वे है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इश्यूज़ को देखने का। इन द पास्ट में द केस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन मेड
on the basis of environmental and social justice consideration. पहले ये देखा जाता था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का केस है वो इन्वायरमेंटल और सोशल जस्टिस के बेस पे बनाया जाता था, उनमें ये चीज़ें देखी जाती थी बजाय इसके कि पैसा देखा जाए. लेकिन न्यूमैन ये कह रहा है कि जो स्टडी है, अब वो जो रिसर्च है वो ये बताती है कि ऑटो डिपेंडेंट सिटी मॉडल इज़ इनएफिशिएंट एंड ग्रॉसली इनएडिक्वेट इन इकोनॉमिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल टर्म्स. तो ऐसे शहर जहाँ पे ऑटो डिपेंडेंट यानी कि जो कि गाड़ियों पे डिपेंड कर रहे हों ऐसे मॉडल पे, वो इनएफिशिएंट हैं और इनएडिक्वेट यानी कि नामुताबिक हैं इकोनॉमिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल टर्म्स. और जब उन्हें इकोनॉमिक के हिसाब से देखें इन्वायरमेंटल हिसाब से देखें दोनों वो सही नहीं है. तो अब आप इससे पिछले पैराग्राफ में यूरोप की एक सिटी के बारे में बात किया गया, ऑस्ट्रेलिया में बताया गया ट्रैम के यूज़ के बारे में कि जहाँ पे ट्रैम इस्तेमाल होती है वहाँ पे क्या सिचुएशन है, और ट्रैम की वजह से इंटरनल सिटी के अंदर लोग कारों का कम इस्तेमाल करते हैं, बाहर गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. इससे ऊपर बताया गया कि दो तीन शहरों में बताया गया, एक में 17% और एक में 5% मतलब बताया गया कि डिपेंडेंसी कितनी है. और पहले वाले पैराग्राफ में कौन सी स्टडी लॉन्च की जा रही है 37 शहरों में उसके बारे में इंट्रोडक्शन दी गई. तो इस तरह आपने अपनी इंफॉर्मेशन को माइंड में रिटेन रखते हुए आगे जाना है. अच्छा, बाइसिकल वाज, अब हम आ रहे हैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 41 पे. बाइसिकल यूज़ वाज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टडी बट न्यूमैन नोटेड दैट टू मोस्ट बाइसिकल फ्रेंडली सिटीज़ कंसीडर एमस्टरडैम एंड कोपनहेगन. अब यहाँ पे दो साइकिल से मुतलिक जो सी बाइसिकल से मुतलिक सिटीज़ का जिक्र किया जा रहा है, उन्हें कहा वो बड़ी एफिशिएंट हैं इवन दो यहाँ तक के देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स वर रीजनेबल बट नॉट स्पेशल. वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है लेकिन वो रीजनेबल है, कोई ख़ास चीज़ उसमें नहीं है. इट इज़ कॉमन फॉर सपोर्टर्स ऑफ रोड नेटवर्क्स टू रिजेक्ट द मॉडल्स ऑफ सिटीज़ विद गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाई आर्ग्यूइंग दैट सच सिस्टम कुड वुड नॉट वर्क इन देयर पर्टिकुलर सिटी. हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि ये इट इज़ कॉमन फॉर सपोर्टर्स ऑफ रोड नेटवर्क्स, जो लोग रोड नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं ये उनके लिए आम बात है कि टू रिजेक्ट द मॉडल्स ऑफ सिटीज़, के ऐसे शहरों के मॉडल्स को रिजेक्ट कर दें विद गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, बाई आर्ग्यूइंग दैट, ये कहते हुए कि ऐसे सिस्टम वुड नॉट वर्क इन देयर पर्टिकुलर सिटी, उनके शहरों में काम नहीं करेंगे. वन ऑब्जेक्शन इज़ क्लाइमेट, एक बात वो कहते हैं मौसम, मौसम की वजह से. बाज़ुकात लोग ये कहते हैं कि देयर सिटी कुड नॉट मेक मोर यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि उनके जो शहर हैं वो वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती बिकॉज इट इज़ ईदर टू हॉट, या तो बहुत ज़्यादा सर्द है या बहुत ज़्यादा गर्म है. न्यूमैन इस बात को रिजेक्ट करता है, न्यूमैन कहता है और रिजेक्ट करते हुए ये कहता है पॉइंटिंग आउट दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन बोथ टोरंटो एंड सिंगापुर. तो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो टोरंटो सिंगापुर दोनों में, और दोनों ही ममालिक जो उनसे हैं वो गर्म भी हैं और सर्द भी. इनफैक्ट ही हैज़ चेक द यूज़ ऑफ कार अगेंस्ट क्लाइमेट एंड फाउंड ज़ीरो कोरिलेशन. तो उन्होंने गाड़ियों को देखा क्लाइमेट के अगेंस्ट और उन्होंने कहा जी कोई इसके अंदर रिलेशन नहीं है, ये बात गलत की जा रही है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जो कि पेज नंबर 42 है, और उसका जो फर्स्ट ए पैराग्राफ से ऊपर वाला, ए हेडिंग से ऊपर वाला पैराग्राफ. व्हेन इट कम्स टू अदर फिज़िकल फीचर, जब दूसरे फिज़िकल फीचर्स की बात की जाती है, रोड लॉबीज आर ऑन स्ट्रॉन्गर ग्राउंड. तो जो रोड की लॉबी है वो बड़े मजबूत ग्राउंड्स पे खड़ी होती है. मिसाल के तौर पे न्यूमैन ये मानता है कि इट वुड हार्ड फॉर सिटी एज हिली ऑकलैंड टू डेवलप रियली गुड रेल नेटवर्क. बास शहर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर रेलगाड़ी, मिसाल एक ऐसा शहर है जो कि पहाड़ी, मतलब वहाँ पे पहाड़ वगैरह मौजूद हैं, तो वहाँ पे ट्रेन का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन ये भी बताता है कि बोथ हांगकॉन्ग और ज़ुरिच में उन्होंने मैनेज किया टू मेक सक्सेस ऑफ देयर रेल सिस्टम हैवी एंड लाइट रिस्पेक्टिवली. उन्होंने बताया कि जी हैवी रेल्स और लाइट रेल्स सारे हांगकॉन्ग में और ज़ुरिच, ये दो शहर हैं यहाँ पर चल रहे हैं. थ्रू देयर आर फ्यू फैसिलिटीज़ इन वर्ल्ड एज हिली, जी कि वहाँ पे कम फैसिलिटीज़ हैं
क्योंकि वो बाकी दुनिया के अंदर कम फैसिलिटीज़ हैं, ऐसे शहर जो कि हिल्स के ऊपर मत जहाँ पे पहाड़ वगैरह मौजूद हैं जी। ये था यहाँ तक, अब हम आते हैं ए पैराग्राफ की बात करते हैं जी। ये जो ए पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है कि हकीकत में न्यूमैन ये कहता है कि मेन रीज़न अडॉप्टिंग वन सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर अनदर इज़ पॉलिटिक्स। एक तरह की ट्रांसपोर्ट का दूसरे के ऊपर प्रेफर करना उसकी जो सियासत की नज़र हो जाता है, ये चीज़ पॉलिटिक्स है मेन रीज़न। मोर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगा मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ फेवर्ड, उतनी ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फेवर किया जाएगा। वो ये कहता है कि जो पोर्टलैंड है, ओरिजन है, परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ की। बस कुछ साल पहले फेडरल मनी वाज ग्रांटेड टू बिल्ड अ न्यू रोड, ठीक है ना, कुछ मतलब ने पैसे दिए गए कि नई रोड्स बनाई जाएं। हावर लोकल प्रेशर ग्रुप्स फोर्स्ड अ रेफरेंडम ओवर वेदर टू स्पेंड द मनी ऑन लाइट रेल इंस्टेड। तो बाकी जो उनसे ग्रुप्स थे उन्होंने ये कहा कि जी लाइट रेल जो है ना वो बनाई जाए। रेल प्रपोजल वन, रेल की जो प्रपोजल थी वो जीत गई, और रेलवे वर्क स्पेक्टेकुलरली वेल, और रेलवे ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इन द ईयर दैट हैव फॉलोड, तो उन सालों में जो आगे मतलब चले, मोर एंड मोर रेल सिस्टम्स हैव बीन पुट इन, ज़्यादा से ज़्यादा रेल सिस्टम को लगाया गया। ड्रामेटिकली चेंजिंग द नेचर ऑफ द सिटी, जिसने शहरों की नेचर को बदल के रख दिया। न्यूमैन नोट्स दैट पोर्टलैंड हैज़ अबाउट द सेम पॉपुलेशन एज पर्थ। वो कहता है पोर्टलैंड की उतनी पॉपुलेशन है जैसी पर्थ की है, और सिमिलर पॉपुलेशन डेंसिटी में। यानी वो ये कहता था कि जो ट्रेन का और इसका, यहाँ पे आपने ये जहन में रखना है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है इस तरह के डिसीजंस के ऊपर, कि ये करना है या ये करना है। यूनाइटेड किंगडम में, बी पैराग्राफ में वो कह रहा है, यूनाइटेड किंगडम में ट्रैवल टाइम टू वर्क हैड बीन स्टेबल फॉर एटलीस्ट 6 सेंचुरीज जी। ट्रैवल टाइम जो उनसा है किसी भी काम करने का ला, वो 6 सदियों तक स्टेबल रहा। विद पीपल अवॉइडिंग सिचुएशंस, ऐसे लोगों के लिए जो कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करते हैं दैट रिक्वायर देम टू स्पेंड मोर देन हाफ एन आवर ट्रैवलिंग टू वर्क, जिन्हें आधा घंटे से ज़्यादा काम मतलब लगता था काम पे जाने के लिए। ट्रेन्स और गाड़ियाँ जो सी हैं इनिशियली अलाउड पीपल, शुरू शुरू में उन्होंने लोगों को अलाउ किया टू लिव एट ग्रेटर डिस्टेंसेस, के लंबे लंबे फासलों पे रहें वो विदाउट टेकिंग लॉन्गर टू रीच देयर डेस्टिनेशन। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिड नॉट कीप पेस विद अर्बन स्प्रॉल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सा था वो नहीं बढ़ सका। अर्बन स्प्रॉल कहते हैं शहरों का फैलना, स्प्रॉल एक वर्ड है इसको लिख लें, फैलना। कॉजिंग मैसिव कंजेस्शन प्रॉब्लम विच नाउ मेक कम्यूटिंग टाइम्स फॉर हायर, और उसकी वजह से फिर ये हुआ कि जो सफ़र करने का टाइम था वो बढ़ता चला गया। यूके की बात की जा रही है। अब हम सी पैराग्राफ में आते हैं। वो कहता है कि एक बहुत बड़ा जो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि इंक्रीजिंग वेल्थ, जैसे जैसे दौलत बढ़ी, लोग जो उनसे हैं टू लिव फार्दर आउट वेयर कार्स आर द ओनली अवेलेबल ट्रांसपोर्ट। दौलत जैसे जैसे बढ़ी तो लोगों ने दूर दूर रहना शुरू कर दिया जहाँ पर गाड़ियाँ ही एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थी। इसकी एग्जांपल वो ये देते हैं कि यूरोपियन सिटीज़ जो सी हैं रिफ्यूट्स दैट, अच्छा दे आर ऑफ्टन वेल्दियर, वो ज़्यादा, हाँ इसमें यूरोपियन सिटी जो सी हैं वो इस नोशन को रिफ्यूट करती हैं और ज़्यादा वेल्दियर हैं अमेरिकन काउंटर पार्ट्स, यानी कि उनके जो हम असर मालिक हैं अमेरिका के उनसे। बट हैव नॉट जनरेटेड द सेम लेवल ऑफ कार यूज़, लेकिन उसमें गाड़ियों का इस्तेमाल सेम लेवल पर नहीं हुआ। एक और बात स्टॉक होम की बात करता है कि गाड़ियों का जो इस्तेमाल है यूजुअली फॉलन इन रीसेंट ईयर्स, वो कम हुआ लास्ट कुछ सालों में। एज द सिटी हैज़ बिकम लॉन्गर लार्जर एंड वेल्दियर, जैसे जैसे सिटी बढ़ गई और अमीर हुई तो वहाँ पे गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो गया। एक और स्टडी ये बताती है कि द पॉइंट इवन मोर स्टार्कली डिवेलपिंग सिटीज़ इन एशिया सच एज जकार्ता एंड बैंकॉक मेक मोर यूज़ ऑफ द कार्स देन वेल्दी एशियन सिटीज़ जी। यानी कि कुछ और जो शहर हैं जहाँ जो वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं अमीर एशियन सिटीज़ के, जैसा कि टोक्यो है और सिंगापुर है, वहाँ से भी ज़्यादा जकार्ता बैंकॉक में गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं उन मालिक में जो कि बाद में डेवलप हुई। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक डिस्करेज करता है कि बिल्डिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाया जाए एंड पीपल हैव बीन फोर्स्ड टू रिलाई ऑन कार्स, और लोगों को गाड़ियों पर रिलाई करने के लिए कहा जाता है, क्रिएटिंग द मैसिव ट्रैफिक जैम्स दैट करेक्टराइज दो सिटीज़, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। डी पैराग्राफ सेकेंड लास्ट, न्यूमैन का ये कहना है कि वन ऑफ द बेस्ट स्टडीज़, एक बेहतरीन रिसर्च है ऑन हाउ सिटीज़ बिल्ड फॉर कार माइट बी कन्वर्टेड टू रेल यूज़, कि किस तरह ऐसे शहरों को कि जो गाड़ियों के लिए बनाए गए उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाए रेल यूज़ के लिए, उसमें अर्बन विलेज रिपोर्ट की बात की जाती है कि जहाँ पे मेलबर्न एक एग्जांपल दी जाती है मेलबर्न की, और ये बताया जाता है कि पुशिंग एवरीवन इनटू द सिटी सेंटर वाज नॉट द बेस्ट अप्रोच, हर किसी को शहर के दरमियान में भेजना एक अच्छी अप्रोच नहीं है, बजाय इसके के प्रपोज़ल एडवोकेटेड द क्रिएशन ऑफ अर्बन विलेजेस, शहरों के जैसे बड़े बड़े टाउन्स और वो बनने चाहिए और काफ़ी ज़्यादा बनाने चाहिए एट हंड्रेड ऑफ साइट्स मुख्तलिफ जगहों पे, मोस्टली राउंड रेलवे स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस के पास पास। जी वो ये कहता है कि नए शहर डेवलप किए जाएं, छोटे छोटे टाउन्स बनाए जाएं, ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि लोगों को एक ही जगह पे पुश किया जाए सिटीज़ के अंदर। ई पैराग्राफ की बात करते हैं, इट वॉज वंस अज्यूम्ड दैट इम्प्रूवमेंट इन टेली कम्युनिकेशंस वुड लीड टू मोर डिस्पर्सल इन द पॉपुलेशन एज पीपल हैव नो लॉन्गर फोर्स इन टू सिटीज़। जी जैसे जैसे आईटी में टेली कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट आई तो लोग जो से हैं डिस्पर्सल यानी फैल गए, पॉपुलेशन फैल गई एज पीपल वर नो लॉन्गर फोर्स इन टू सिटीज़, और लोग अब शहरों में रहने के लिए फोर्स नहीं किए जाते थे। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं हाउएवर द आईएसटीपी टीम रिसर्च डेमोंस्ट्रेट्स, एक रिसर्च है वो डेमोंस्ट्रेट करती है कि पॉपुलेशन और जॉब डेंसिटी जो है शहरों में रोज़ और रिमेंड कांस्टेंट, वो बड़ी और कांस्टेंट रही 1980 के दौरान आफ्टर डेकेड्स ऑफ डिक्लाइन, यानी कि दहाई सदियों में मुख्तलिफ दहाइयों की डिक्लाइन के बाद वो कांस्टेंट रही। एक्सप्लेनेशन ये है कि this seems to be that it is valuable to place people working in related fields together, ये बात अहम थी कि लोगों को एक ही जैसा कामों में जो कर रहे हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाए। the new world will largely depend on human creativity, जो आजकल की दुनिया है वो इंसानी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है, एंड क्रिएटिविटी फ्लरिश वेयर पीपल कम टुगेदर फेस टू फेस, और जहाँ पे लोग एक दूसरे के आमने सामने ज़्यादा आते हैं वहाँ पे क्रिएटिविटी जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। जी ये वाला पैराग्राफ था आज का, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की डिफरेंट स्टडीज़ की बात की गई, किसी जगह पे बड़े शहरों की बात की गई, किसी जगह पे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, किसी जगह पे पॉलिटिक्स की बात की गई, किसी जगह पे हिल स्टेशंस की बात की गई, किसी जगह पे वेल्दियर नेशंस की बात की गई, और किसी जगह पे नए शहर बनाने की बात की गई। तो आपने इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना अपने माइंड में और आप इनके आंसर्स को लिखना शुरू करें।